आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सीएम योगी राज में बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह, एसपी सीटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और रामर्ज एसपी ग्रामीण जैसे अधिकारियों की जरूरत है। तीनों अधिकारियों ने 24 घंटे के अंदर अफजलगढ़ में पुलिस कर्मी की पिटाई कर राइफल छीनकर फरार हुए बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस को आज उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस टीम ने 25,000 के इनामी एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर राइफल को भी बरामद कर लिया गया जबकि उसका दूसरा साथी अभी फरार है। दरअसल अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के भूतपुरी चौक पर दो बाइक सवार बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस कर्मियों की पिटाई कर इंसास राइफल छीनकर फरार होने के मामले में आज पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब थाना अफजलगढ़ पुलिस व स्वाट टीम व उत्तराखंड के काशीपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 25,000 के इनामी रहमान पुत्र जीसान निवासी मोहम्मद अली खां थाना काशीपुर उत्तराखंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटी गई राइफल घटना में इस्तेमाल बाइक को बरामद कर लिया है जबकि इंसास राइफल की मैगजीन को 20 कारतूस लेकर इसका साथी हैदर पुत्र सरताज निवासी विजयनगर नई बस्ती काशीपुर उत्तराखंड अभी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। आरोपी ने लूटी हुई राइफल को शेरकोट थाना क्षेत्र के एक स्कूल की छत पर छिपा कर रखा था। वहीं खुलासा करते हुए एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि एक बदमाश को मैं राइफल के साथ गिरफ्तार कर लिया, इसके ऊपर 25,000 का इनाम था। इंसास राइफल को भी बरामद कर लिया है जबकि उसके दूसरे साथी की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। उस पर भी डीआईजी द्वारा 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है, उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। आरोपी रहमान व हैदर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।